एक जानकारी के अनुसार भारतीय टीम पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के नाम पर बिहार के इस शख्स ने भारतीय मूल की अमेरिकी महिला से दावा किया कि उस कंपनी का मालिक है जिसका प्रचार टीम इंडिया के पूर्व कप्तान MS धोनी करते हैं। धोनी की लोकप्रियता विश्व भर में है और इसे जानकर वह महिला भी बिहार के व्यक्ति के झांसे में आ गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के शख्स का नाम ज्योति रंजन पता चला है। ज्योति ने महिला को बताया कि वो टेक्नोलॉजी कंपनी का मालिक है और एक सफल व्यवसायी भी। इस बीच ज्योति रंजन और महिला के बीच प्यार परवान चढ़ा, जहां बिहार के व्यक्ति ने शादी करने का झूठा वादा भी किया। ज्योति ने इस तरह महिला से करीब 60 लाख रुपए ठग लिए और इसकी सच्चाई तब निकल कर सामने आई जब बिहार के आदमी ने और भी पैसों की मांग की। महिला को लगा कि कुछ गड़बड़ है, उसने पता किया तो जानकारी मिली कि ज्योति किसी कंपनी का मालिक नहीं है। इंटीलिवर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी झूठी है और धोनी का दूर दूर तक इससे कोई लेना देना नहीं है। बता दें कि भारत मूल की महिला अमेरिकी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उसका मानना है कि वह 2016 से ज्योति को जानती है। ज्योति उनसे मिलने के लिए अमेरिका भी जा चुकी है। ज्योति ने अभी तक अपना अपराध कबूल नहीं किया है। उन्होंने दावा किया है कि वो निर्दोष है और उन्हें फंसाया जा रहा है। ज्योति ने साथ ही कहा कि महिला झूठ बोल रही है और उनके खिलाफ उसने झूठे आरोप लगाए हैं। नेक्स्ट नाइट स्पोर्ट्स से वरुण की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।